अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? आप में से जितने भी लोग अग्निवीर एस्पिरेंट हैं और हमारी जो अग्निवीर एमसीक्यू की सीरीज चल रही है उसी का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। इस एमसीक्यू सीरीज की अगर मैं बात करूं, जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है, ट्रेडिसमैन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लर्क के लिए इम्पोर्टेंट है, इंडियन आर्मी अग्निवीर का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हर एक वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की बात करूं, इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो के एंड में इन्हीं 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का एक स्पेशल सा टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपका टारगेट होना चाहिए 5 आउट ऑफ 5। और इन 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाओगे वो भी आपको नोट कर दे जाना है और वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर मेंशन करना है। तो चलिए ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं जो जीके पोर्शन से है, इन विच ईयर फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया, आपको बताना है कि इंडिया में सबसे पहली ट्रेन कब चली, 1538, 1985, 1853 या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, दैट मीन 1853 में सबसे पहली ट्रेन चली मुंबई टू थेन, ठीक है ना, ये भी आप याद रख लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो। तो जो नारा है दिल्ली चलो किसके द्वारा दिया गया है, लाला लाजपत राय, एससी बोस, एम के गांधी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। और महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं, डू और डाई, ये नारा किसके द्वारा दिया गया है, एम के गांधी के द्वारा दिया गया है, ये भी आप याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं तीसरे प्रश्न की बात करूं, यहां पे थोड़ा बहुत इस तरह से हम रख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, विच कंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन, आपको बताना है कि द लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से किस कंट्री को जाना जाता है, नॉर्वे, जापान, चाइना या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, नॉर्वे की बात करूं, नॉर्वे हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पे अगर मैं चौथे प्रश्न की बात करूं, इंडिया नेशनल सपोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, या इंडियन नेशनल सपोर्ट आप कह सकते हो, दरअसल इस तरह से होना चाहिए, इंडियन नेशनल सपोर्ट, ठीक है ना, इंडियन नेशनल सपोर्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 मई, 29 मई, 29 अगस्त या 21 जून। तो यहां पे अगर मैं 29 अगस्त की बात करूं, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ एयर, तो स्पीड ऑफ एयर मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल में लाया जाता है, एम मीटर, लैक्टोमीटर, एनिमोमीटर या नन ऑफ दीज। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं लैक्टोमीटर की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक्टोमीटर के रिगार्डिंग, अगर मैं लैक्टोमीटर की बात करूं, लैक्टोमीटर जो है प्योरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है ना, मिल्क की प्योरिटी नापने के लिए जो है लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। और अगर मैं स्पीड ऑफ एयर की बात करूं तो एनिमोमीटर का यूज किया जाता है स्पीड ऑफ एयर मेजर करने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, हु इन्वेंटेड हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम की अगर मैं बात करूं किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, जेजे थॉमसन, न्यूटन, ऑटो हन या एडविन टेलर। तो यहां पे अगर मैं डी पार्ट की बात करूं, एडविन टेलर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सातवें प्रश्न पे, द वर्ड जीन इज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो जो जीन वर्ड है सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया, जोहानसन, वोल्ट, एस एम रॉय या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं जोहानसन की बात करूं, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आठवें प्रश्न की, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन एंड फ्रॉग्स हार्ट, ठीक है ना, आपको बताना है कि जो ह्यूमन का हार्ट है और फ्रॉग का हार्ट है इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं। यहां पे क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत थिंकिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आपको ऑप्शन को अच्छी तरह से आपको हैंडल करना सीखना है, कभी कभार जो है इस प्रकार से भी पैटर्न पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं ह्यूमन्स की, तो सबसे पहले किसकी बात छेड़ी गई है, ह्यूमन्स की बात छेड़ी गई है, दैट मीन यहां पे आपसे
हार्ट के चैम्बर पूछे गए हैं, लेकिन पहले किसका पूछा गया है? हुमेन का पूछा गया है, उसके बाद फ्रॉग का पूछा गया है। तो यहां पे जो सिक्वेंस होगी वो इसी हिसाब से होगी, पहले आपको हुमेन का बताना है, उसके बाद आपको फ्रॉग का बताना है। अगर मैं बात करूं हुमेन की, तो हुमेन का जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? हुमेन हार्ट में जो चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं 4, और जो फ्रॉग के हार्ट में चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं 3। तो आपको अच्छी तरह से सिक्वेंस का ख्याल रखना है, पहले हुमेन आएगा उसके बाद फ्रॉग आएगा, तो पहले 4 आएगा उसके बाद 3 आएगा, दैट मीन 4 एंड 3। इसी सिक्वेंस को लेकर आपको चलना है, यहां पे सी और डी पार्ट में कंफ्यूजन नहीं लाना है। यहां पे अगर पहले फ्रॉग पूछा जाता उसके बाद हुमेन पूछा जाता तब जाके 3 एंड 4 आता, अदरवाइज यहां पे हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है 4 एंड 3, क्योंकि सिक्वेंस का आपको ख्याल रखना है। कभी कभार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज वाई ये वाला क्वेश्चन मैंने इस टाइप से इंक्लूड किया ताकि आप अवेयर रहो। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो नववा प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, नववा प्रश्न यहां पे, रॉवर्स कप बिलोंग्स टू विच सपोर्ट। तो आपको बताना है जो रॉवर्स कप है इसका संबंध किस खेल के साथ है, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी या फुटबॉल। तो रॉवर्स कप की अगर मैं बात करूं, फुटबॉल के साथ इसका संबंध है, ये आपको नोट डाउन कर लेना। और आपके लिए मैं होमवर्क रख रहा हूं, वॉलीबॉल के साथ किस का संबंध है एक कप का आप मुझे बताना है, ठीक है ना। टेबल टेनिस का एक कप मुझे बताना है, हॉकी का आपको मुझे एक कप बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, एक एक कप आप मुझे बता देना। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं, जो कल हमारा टेस्ट हुआ था उसमें आप सब लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो, बस कुछ लोग वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई थिंक वहां पे आपको कुछ इश्यू आ गया है या आप अच्छी तरह से जो है ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, मुझे बता देना कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है उस टेस्ट में, उसमें आपका जो है स्कोर भी डाउन जा रहा है। चलिए आज की इस वीडियो में मैं एंड में भी आपको बताऊंगा कि अच्छी तरह से उस रेस्पॉन्स को किस तरह से आप फिल कर सकते हो, किस तरह से आप वो पूरा का पूरा पेपर फेस कर सकते हो, और उसका रिजल्ट भी जल्दी डिक्लेयर होगा, तो वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा टेस्ट लिया जा रहा है अग्निवीर के लिए, तो उसे आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो दसवें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, दसवां प्रश्न यहां पे क्या पूछा जा रहा है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। तो अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं, ठीक है ना, जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, उसे किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर के द्वारा, सीएम के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर मैं चीफ जस्टिस की बात करूं, उसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ, तो आपसे पूछा गया है एम्पेयर किसका यूनिट है, करंट, पावर, बोथ एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं एम्पेयर की बात करूं, करंट का यूनिट है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायर वॉज द फर्स्ट राउंड ट्रिप, सॉरी यहां पे पेन का यूज हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। आपको बताना है जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कहां पे हुई। देखिए सबसे पहले आप फैक्ट याद रख लेना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर मैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, तो ये 1930 में हुई है पहली, ठीक है ना। अगर मैं दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, तो कहां कब हुई है, 1931 में। और अगर मैं तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, 1932 में हुई है। और अगर मैं पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, तो ये कहां पे हुई है, लंदन में हुई है, ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। और आपके लिए अब मैं होमवर्क रख रहा हूं, अच्छी तरह से समझ लेना, ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है 1930 में हुई है, कहां पे हुई है, लंदन में हुई है। और मैंने आपको बताया जो सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है 1931 और 1932 में हुई है, आप मुझे बता देना कि ये कहां पे हुई है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई है और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई है, ये आप मुझे बताओ, कि आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वायर इज द चिल्का लेक लोकेटेड। यहां पे जो है चिल्का लेक की लोकेशन आपसे पूछी गई है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या ओडिशा। यहां पे अगर मैं बात करूं चिल्का लेक की, तो चिल्का लेक इसकी लोकेशन कहां पे है, ओडिशा में है, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। सिलेवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, तो किस को डाइजेस्ट करने में सिलेवा हेल्प करता है,
प्रोटीन, बैक्टीरिया, स्टार्च या ऑल ऑफ दीज? तो यहां पे जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट इज सी पार्ट, स्टार्च हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, इन विच स्टेट अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड? अगर मैं अक्षरधाम टेम्पल की बात करूं, इसकी लोकेशन कहां पे है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा या गुजरात? तो यहां पे अगर मैं अक्षरधाम टेम्पल की बात करूं तो इसकी लोकेशन कहां पे है? गुजरात में इसकी लोकेशन है। डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। कलहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आपसे कलहारी डेजर्ट की लोकेशन पूछी गई है, किस कंट्री में कलहारी डेजर्ट की लोकेशन है? सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया या नन ऑफ दीज? तो यहां पे अगर मैं कलहारी डेजर्ट की बात करूं, साउथ अफ्रीका में इसकी लोकेशन है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? यहां पे आपसे पूछा गया है कि इंडिया की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है, ठीक है ना? अगर मैं कंट्री की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं कंट्री की बात करूं, वो कंट्री जो है लार्जेस्ट कंट्री कौन है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो वो है चाइना। लेकिन यहां पे इंडिया में आपसे स्टेट पूछी गई है, कौन सी स्टेट जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो यहां पे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। विजय हजारे ट्रॉफी बिलोंग्स टू विच सपोर्ट? आपको बताना है जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल के साथ है? कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट या नन ऑफ दीज? तो अगर मैं विजय हजारे ट्रॉफी की बात करूं, क्रिकेट के साथ इसका संबंध है। सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। विच विटामिन इज फाउंड इन साइट्रिक फ्रूट्स? तो साइट्रिक फ्रूट्स यानी कि जितने भी खट्टे चीजें होती हैं उनमें कौन सा विटामिन देखने को मिलता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या नन ऑफ दीज? तो यहां पे अगर मैं बात करूं साइट्रिक फ्रूट्स में कौन सा विटामिन देखने को मिलता है, विटामिन सी देखने को मिलता है, ठीक है ना? विटामिन सी जो है जितने भी खट्टी चीजें होते हैं उनमें विटामिन सी देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जितने भी खट्टी चीजें हैं जैसे कि अगर मैं लीमन की बात करूं, ऑरेंज की बात करूं, तो सब में जो है साइट्रिक फ्रूट ही पाया जाता है, देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं विटामिन सी की बात करूं सबसे ज्यादा मात्रा में ये किस चीज में देखने को मिलता है, तो आंवला, ठीक है ना? आंवला याद रख लेना, आंवला में देखने को मिलता है एज कंपेयर टू लीमन, ऑरेंज। तो ये भी आप पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं, हाउ मेनी कीज आर ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड? जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है आपको बताना है कि उसमें कितने कीज देखने को मिलते हैं, 105, 304, 104 या नन ऑफ दीज? देखिए अगर मैं कंप्यूटर कीबोर्ड की बात करूं, इसमें बेसिकली जो मतलब ओवरऑल जो कॉमनली कीबोर्ड पाया जाता है उसमें 104 कीज देखने को मिलते हैं कॉमनली। लेकिन जो मॉडर्न टाइप के कुछ कीबोर्ड्स है या कुछ इस तरह से जो कीबोर्ड्स है उनमें जो है दो तीन कीज का फर्क देखने को मिलता है, किसी में 108, किसी में 105 देखने को मिलते हैं। लेकिन इन कॉमन जनरली जो है 104 कीज जो है कंप्यूटर कीबोर्ड में देखने को मिलते हैं, ये पॉइंट आप याद रख लेना। और 21वां प्रश्न पढ़ने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज एंड प्लीज चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके जाना, साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और शेयर वीडियो आपको लाजमी करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, जेकेपी स्मार्ट की भी हेल्प होगी और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प होगी। जेकेपी स्मार्ट भी ग्रो कर पाएगा, आपके फ्रेंड्स भी अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे और आप भी अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। तो वीडियो शेयर करने से क्या होता है, नॉलेज शेयर होती है, नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, यह हमेशा याद रखना चाहिए। जिसके अंदर जो भी नॉलेज है उसे छुपाना नहीं चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए, जिस तरह से मैं आपकी हेल्प करता हूं थोड़ी बहुत जितना मुझसे हो सकता है। तो अगर आप वीडियो को शेयर करोगे आप मेरी भी हेल्प करोगे, अपनी भी हेल्प करोगे और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करोगे, इसलिए जिम्मेदारी आपकी बनती है वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ वगैरह चाहिए, मे बी मैं जो है दो तीन क्लास की पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले, जो कि जेकेपी स्मार्ट के नाम से है, ठीक है ना? जेकेपी स्मार्ट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च कर देना, अदरवाइज किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको जो है क्विज अटेंड करनी है, जो मॉक टेस्ट है, जो एग्जाम टेस्ट है, वो आपको किस तरह से अटेंड करना है, ये लाजमी देखना, सब लोग लाजमी देखना, ठीक है ना?
इसके बाद आ जाते हैं हम 21वें प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 21। केबी स्टैंड फॉर, तो केबी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, किलो बिट, किलो बाइट, बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस। तो अगर मैं केबी की बात करूं, केबी स्टैंड फॉर किलो बाइट, ठीक है ना, बी वाई टी, अच्छी तरह से याद रख लेना, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन, 22वां प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ वॉलीबॉल टीम। यहां पे याद रखने, जब भी बाय डिफॉल्ट यहां पे बोथ नहीं लिखा होगा तो समझ लेना आपसे पूछा क्या गया है, वन साइड आपसे पूछा गया है। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि वॉलीबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, लेकिन वन साइड, ठीक है ना, 6, 5, 10 या 3। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, 6 प्लेयर्स होते हैं वॉलीबॉल टीम में वन साइड, और अगर आपको गिवन हो बोथ साइड दिया गया हो तब आपको खुद पता है, तो बोथ साइड कितने आएंगे, 12 आएंगे, ये भी आप याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। हु वॉन द फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप, जो पहली एशियन चैंपियनशिप है किसके द्वारा जीती गई है, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए या इंडिया। तो यहां पे डी पार्ट इंडिया हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं 24वें प्रश्न पे, कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ कश्मीर वैली। तो यहां पे अगर मैं कश्मीर वैली की बात करूं तो इसकी कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल कैपिटल किसे कंसिडर किया जाता है, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं अनंतनाग की, तो अनंतनाग को जो है कश्मीर वैली की जो फाइनेंशियल कैपिटल है कंसिडर किया जाता है, और श्रीनगर याद रख लेना, श्रीनगर को जो है कॉमनली इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि जिवल के नाम से जाना जाता है, या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जो है श्रीनगर को जाना जाता है, जम्मू को भी जाना जाता है लेकिन श्रीनगर को भी जाना जाता है, और भी बहुत सारे नाम से यहाँ पे इसे जाना जाता है, मैं यहाँ पे बता देता लेकिन वो कहाँ पे इंक्लूड है, वो मॉक टेस्ट में इंक्लूड है, तो यहाँ पे फिर आपको एक क्वेश्चन पता चल जाएगा। और पुलवामा की अगर मैं बात करूं, पुलवामा को जो है राइस बाउल के नाम से भी जाना जाता है, और या राइस बाउल कश्मीर भी आप कह सकते हो। बेसिकली यहां पे अगर मैं बात करूं, कुलगाम को भी जाना जाता है, लेकिन पुलवामा को भी जाना जाता है, कुलगाम को पहले जाना जाता था, लेकिन आप बहुत याद रख सकते हो कि पुलवामा को भी जो है राइस बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, साथ साथ कुलगाम को भी जाना जाता है। और अगर मैं सैफरान की बात करूं, जो सैफरान है, ठीक है ना, सैफरान की जो कल्टीवेशन है सबसे ज्यादा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में होती है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, दैट इज पांपोर। पांपोर में जो है सैफरान की सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होती है, और पांपोर की अगर मैं बात करूं, सैफरान के लिए इसे जीआई टैग भी मिला है, ये पॉइंट आप याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे जरूरी इसका आंसर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने छोटे से टेस्ट की तरफ, जिसमें हम 5 क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे, और आपको टारगेट है कि 5 आउट ऑफ 5 आपको यहां पे स्कोर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए, वायर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो कहां पे हुई थी, लंदन में हुई थी, बिल्कुल ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच विटामिन इज फाउंड इन साइट्रिक फ्रूट्स, तो साइट्रिक फ्रूट्स में कौन सा विटामिन देखने को मिलता है। साइट्रिक फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं, इनमें जो है विटामिन सी देखने को मिलता है, नन ऑफ दीज, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिलेवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, तो यहां पे अगर मैं बात करूं स्टार्च की, बिल्कुल सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए जो चौथा प्रश्न है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ एयर, तो स्पीड ऑफ एयर की अगर मैं बात करूं, इसे जो है मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, एनीमोमीटर का यूज किया जाता है, बिल्कुल सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा आखिरी प्रश्न है, हु वॉन द फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप, तो किसके द्वारा जीती गई है, इंडिया के द्वारा जीती गई है, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो, जो मॉक टेस्ट है वो किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टेस्ट हम लेने वाले हैं ये बिल्कुल 90 मार्क्स का टेस्ट होगा, आपको अच्छी तरह से इसको हैंडल करना है, ये समझना है कि आपका एग्जाम है, इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा अच्छी तरह से। लेकिन यहां पे जो रेस्पॉन्स मिला है
मतलब बहुत ही कम लोगों ने क्विज ज्वाइन की है, पता नहीं क्यों, क्या फॉल्ट आ गया या आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, क्या कुछ हो गया है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन कम ही अभी तक जो है 100-150 लोगों ने सिर्फ क्विज ज्वाइन किए, लेकिन सब लोग ज्वाइन करो तब जाके आप जो है अच्छी तरह से रेस्पॉन्स दे सकोगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस क्विज की, ये जो टेस्ट है पेपर है इसमें जो है आपका स्कोर बहुत ही डाउन जा रहा है, ये बेसिक मतलब इसमें मैंने बेसिक क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं लेकिन आपका स्कोर बहुत ही डाउन जा रहा है, बहुत ही डाउन आप जो है इसमें स्कोर कर पा रहे हो, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी मैंने नहीं रखी है, फिर अगर नेगेटिव मार्किंग भी होगी तो तब जाके क्या होगा, अच्छी तरह से मेहनत करो। देखो इसको किस तरह से आपको ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, पहले सुनना अच्छी तरह से तब जाके आप जो है अच्छी तरह से इसको हैंडल कर पाओगे, अदरवाइज फिर कहते हो कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे जो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ईमेल का ऑप्शन आएगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ईमेल की वजह से यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा मतलब हम ईमेल शेयर नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, जब आप ईमेल शेयर करोगे तो इसका रेस्पॉन्स शीट जब मैं स्कोर रिलीज करूंगा तो आपकी ईमेल पे आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हम अपनी ईमेल मेंशन ना करें, वो आपकी अपनी मर्जी है, तो यहाँ पे रैंडमली कुछ भी लिख देना, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है arth@gmail.com, तो आप भी इसी तरह से कुछ भी रैंडमली फेक ईमेल लिख देना अगर आप नहीं चाहते हो अपनी ईमेल यहाँ पे शेयर करना, वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप चाहते हो तो उस ईमेल पे आपको बाद में सिक्योर सेंड कर दिया जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे अपना नाम आप फिल करोगे, उसके बाद स्टेट, आपको सिर्फ इतना इतना लिखना है किस स्टेट से हो या किस यूटी से हो, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हो वो लिखोगे, किसी और स्टेट से हो वो लिखोगे, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करोगे, उसके बाद आपका कौन सा एग्जाम है, यहाँ पे आप मार जाओ क्लिक करोगे जीडी ट्रेड्समैन अदर, जो भी आपका होगा वो यहाँ पे मेंशन करोगे, पिछले जिन जिन लोगों ने अटेंड किया था वहां पे ये ऑप्शन नहीं था, अब ये नया ऑप्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। उसके बाद अपनी कैटेगरी मेंशन करोगे, कैटेगरी का वैसे कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहोगे तो यहाँ पे कैटेगरी आपको मेंशन करनी है। उसके बाद अगर आपने कोई अदर सर्टिफिकेट जो है अप्लाई की है जिससे आप बेनिफिट उठाने वाले हो तो वो यहाँ पे आप फिलअप करोगे। उसके बाद आपका एआरओ कौन सा है, उसके बाद यहाँ पे कुछ फिलअप करके जो आपको अच्छा लगे वहां पे आप अपना रेस्पॉन्स दे सकते हो, और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे यहाँ पे जो नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेपर आ जाएगा, इस तरह से आपके सामने पेपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पेपर आपके सामने आ जाएगा नेक्स्ट पे क्लिक करने से, वेट कीजिए, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे आपके सामने पेपर आ जाएगा, इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें रीजनिंग है, बिल्कुल 90 मार्क्स का ये टेस्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको सीरियसली इसको अटेंड करना है, यहाँ पे रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा, यहाँ पे जो है आपकी परफॉर्मेंस आपको दिखाई जाएगी। तो जल्दी से सभी लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में है उस पे लिंक करेंगे, और यहाँ पे जो है अपना स्कोर चेक करेंगे, बाद में आपको रिजल्ट दिखाया जाएगा, देखने की कौन टॉपर यहाँ पे आएगा, किस तरह से आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन इस एग्जाम को आपको सभी लोगों को अटेंड करना है। जब अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं दूसरा एग्जाम भी आपका लूंगा इसी तरह से, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप इस पूरे पेपर को देख सकते हो और अटेंड कर सकते हो। सभी लोग अटेंड कर देना और लिंक जो है शेयर कर देना फ्रेंड सर्कल में भी, ताकि वो भी ज्वाइन हो पाए, वो भी यहाँ पे जो है अटेंड कर पाए इस क्विज को। पूरा पेपर है, अच्छी तरह से देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।